हेलो नमस्ते, दिस इज़ वन्ना गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग फिट टॉक। एस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारे एयर पाइप स्वेल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही हमारा जो एयर वेज है उसके आसपास की मसल्स काफ़ी टाइट हो जाती हैं। इनफैक्ट जिस तरह के एनवायरनमेंट में आजकल हम रह रहे हैं वो भी एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि पॉलन्स, एयर पोल्यूशन, एलर्जीज एंड सम टाइम विग्रस एक्सरसाइज भी एस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासना एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि एस्थमा के सिम्टम्स को ईज आउट करने में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्राणायाम या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ, जिसका नाम है समवृत्ति या फिर इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग करने के लिए कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे। यू इनहेल फॉर 4 थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल भी आपको नोज से ही करना है फॉर 4 काउंटिंग। सो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप 4 के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप 3 बार भी कर सकते हैं, लाइक इनहेल फॉर 3 एंड एक्सहेल फॉर 3। और अगर आपको लगता है कि आप डीपन कर सकते हैं आपके ब्रेथ को, देन यू कैन गो 5-6 अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल। सो चलिए देखते हैं कैसे करनी है समवृत्ति। इनहेल थ्रू योर, आई विल नॉट काउंट 1, 2, 3, 4 बिकॉज आई विल कीप माई माउथ शट। तो आपको इनहेल मैं आपको उंगलियों से काउंट दूंगी एंड दिस इज हाउ आई विल गिव यू द काउंट फॉर द एक्सहेलेशन ऑल्सो। नाउ विल स्टार्ट, कीप योर आईज क्लोज इफ यू लाइक टू। This is how we do equal breathing. Inhale for 4, exhale for 4. हमारा next pranayam है relaxing breathing या फिर उसको purse breathing technique भी बोलते हैं। इसमें हम, ये actually equal breathing का ही variation है, इसमें हम inhale करते हैं for 4 but हमारा जो exhalation होता है वो lengthier होता है। Inhale हम नाक से करेंगे और जब हम exhale करेंगे तो जो आपका tip of the tongue है उसको ऊपर का जो हिस्सा है आपके mouth का, palate of your mouth, वहाँ पर touch करके रखेंगे और आपके lip से how you kiss someone उस तरह का एक छोटा सा pout बनाएंगे एंड आपके जो lips हैं वो साइड लिप्स एक दूसरे से टच करके रखेंगे। आई विल क्विकली शो यू हाउ यू विल डू इट। सो बेसिकली इनहेल थ्रू योर नोज, व्हाइल एक्सहेलिंग यू हैव टू एक्सहेल थ्रू योर माउथ। वी विल इनहेल फॉर 4, एक्सहेल फॉर 7 or 8, एज लेंथियर एज यू कैन। So let's do this pranayam. This is how we do purse breathing. तो purse breathing technique में when you inhale आपका जो lung का capacity है वो काफ़ी खुल जाता है और जब आप exhale करते हैं तो जो residual air होती है, stale air जो होती है, जो आपके lungs के नीचे वाले हिस्से में बची रह जाती है, इसलिए हम ज़्यादा breath out करते हैं जिससे कि वो भी एक्सहेल होके सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ब्रीदिंग फॉर एस्थमेटिक पीपल। हमारे नेक्स्ट प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज़ अ अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसको करने के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके लेफ्ट नी पर ध्यान मुद्रा में रखेंगे, जो आपका राइट हैंड है उससे विष्णु मुद्रा या प्राणायाम मुद्रा लेंगे, जिसमें आपका जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है, पहला और दूसरा जो उंगली है वो राइट अंडर योर थम, जो आपके थम के नीचे का हिस्सा है वहाँ पर टच करके रखेंगे। इनहेल हम लेफ्ट से करेंगे, एक्सहेल राइट से। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इस तरह से एक राउंड पूरा होगा। सो लेट्स डू अनुलोम विलोम। एक्सहेल कंप्लीटली विद बोथ द नॉस्ट्रल्स फर्स्ट, क्लोज राइट, इनहेल लेफ्ट। Exhale
exhale, right? Inhale, right? Exhale, left. Relax your arm. So this was one round of Anulom Vilom, जो कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है. Actually मैं आपको दोनों breathing techniques का time बता देती हूँ. जो समवृत्ति है यानी कि equal breathing, उसको आप 5 से 10 बार practice कर सकते हैं according to your own comfort. आप further भी जा सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20 बार भी practice कर सकते हैं. सेम विथ रिलैक्सिंग और द पर्स ब्रीदिंग टेक्निक, वो आप 10 से स्टार्ट करके 15 या 20 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. वेयर एज अनुलोम विलोम आप टाइम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विथ 3 or 5 मिनट्स एंड ग्रेजुअली उस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते आप 20 मिनट तक अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कर सकते हैं. किसी भी तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर प्राणायाम करने का आइडियल टाइम मॉर्निंग होता है, जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं. बट अगर आप किसी भी कारण से मॉर्निंग में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, देन यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इन द इवनिंग ऑल्सो. इफ यू फील लाइक डूइंग ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, देन यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे एज वेल. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले योगासना के साथ, जिसका नाम है गौमुख आसना. गौमुख आसना करने के लिए जो आपका लेफ्ट पैर का हील है उसको राइट हिप लाइन के पास और जो राइट है उसको लेफ्ट हिप लाइन के पास रखेंगे. तो बेसिकली आपके जो दोनों नीज हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक करने. अगर आप बाई चांस नहीं भी कर पाते हैं, प्रॉबेबली आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये भी ठीक है, आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई विल स्टार्ट विथ दिस. ध्यान रखने की बात यह है कि जो पैर ऊपर है वही हाथ भी ऊपर जाएगा. तो इनहेल करते हुए आपका राइट आर्म ऊपर लेकर जाएंगे और एल्बो से मोड़ेंगे. फिर आपका जो लेफ्ट आर्म है उसको भी पीछे लेकर जाएंगे आपकी पीठ के. अगर आप इंटरलेस कर सकते हैं आपके फिंगर्स, देन यू कैन इंटरलेस योर फिंगर्स. मेक श्योर दैट यू आर ओपनिंग योर चेस्ट. तो आपको इस तरह से हंच कोलैप्स करके नहीं बैठना है. ओपन योर चेस्ट, आपके शोल्डर ब्लेड थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं पीछे की तरफ. एक्चुअली गौमुख आसना इज अ ब्यूटिफुल आसना टू एक्सपैंड योर लंग कैपेसिटी, हैंस इट्स अ वेरी गुड आसना फॉर एस्थमा पीपल. अगर आप चाहें तो इसमें पर्स ब्रीदिंग टेक्निक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ. स्लोली रिलीज योर आर्म्स फर्स्ट एंड देन वील चेंज द साइड. इस बार आपका जो लेफ्ट नी है उसको नीचे रखेंगे और आपका राइट नी ऊपर की तरफ. दोनों आपके जो पैरों की हील्स हैं उनको अपोजिट बट लाइन के पास. इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म अप और नीचे की तरफ से राइट आर्म गोज टूवर्ड्स द बैक. इंटरलेस योर फिंगर्स अगर पॉसिबल है तो, इफ नहीं भी पॉसिबल है दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट. यू कैन कीप ऑन रीचिंग फॉर योर फिंगर्स. And slowly release and sit in any comfortable cross-legged position, or if you want to keep on sitting in Gaumukhasana, usme bhi aap baith ke reh sakte hain. This is actually a beautiful posture for expansion of your lungs. Gaumukhasana mein aap 5 deep breaths ke liye ruk sakte hain each side. चलिए करते हैं हमारा अगला आसना जिसका नाम है परिवर्त जानुशीर्ष आसना. चलिए देखते हैं कैसे करना है परिवर्त जानुशीर्ष आसना. सबसे पहले आप आपका जो लेफ्ट हील है उसको ग्रोहिन के नज़दीक रखेंगे और आपका जो राइट पैर है उसे राइट साइड में खोल कर रखेंगे. आपका राइट पाम रखेंगे आपके थाई के ऊपर. इनहेल करते हुए टेक योर लेफ्ट आर्म अप और एक्सहेल करते हुए आपको साइड बॉडी से ही राइट साइड की तरफ झुकना है और आपको जो पाम है उसको स्लाइड करना है आपके पैर की तरफ. एक्सहेल, कीप ऑन स्लाइडिंग एंड कीप ऑन गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी. इफ़ यू थिंक दिस इज़ योर लिमिट यू कैन स्टे हियर. इफ़ यू वांट टू डीपन डाउन योर आसना, आप एक्सहेल करते हुए डीपन डाउन कर सकते हैं आपका आसन. एंड वंस यू रीच योर लिमिट आपको देखना है ऊपर की तरफ और अगर पॉसिबल है आपके लेफ्ट आर्म से भी पैरों की उंगलियाँ पकड़ना, देन यू कैन टच दैट एज वेल. And stay here for 3 to 5 deep breaths.
इनहेल करते हुए कम अप, एक्सहेल रिलीज. चलिए अब करते हैं लेफ्ट साइड आल्सो. इस बार आपका जो राइट हील है वो ग्रोहिन के पास और लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड की तरफ खुल कर रखेंगे. अगर आप पूरा नीचे तक नहीं जा सकते हैं दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. आपकी जो लिमिटेशंस है बॉडी की उसके अकॉर्डिंग आप ये आसन को परफॉर्म कर सकते हैं. मैं एक वेरिएशन भी दिखा देती हूँ साथ में जिससे कि आपको पता चल जाएगा दैट वेयर ऑल यू कैन एक्चुअली स्टे. इनहेल राइट आर्म अप, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ जाना है. कीप ऑन ओपनिंग. मेक श्योर कि अगर आपकी ये लिमिट है तो आप यहीं रुकेंगे एंड देन लुक अप. अगर आपकी गर्दन में किसी भी तरह का कोई भी पेन है देन यू कैन कीप योर नेक न्यूट्रल ऑल्सो. बट मेक श्योर दैट इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग डाउन यू आर नॉट लीनिंग लाइक दिस फॉरवर्ड. यू हैव टू ओपन योर चेस्ट. ये आपकी साइड बॉडी एक्सपेंशन के लिए है. जो आपकी लंग कैपेसिटी है साइड बॉडी से उसके एक्सपेंशन के लिए है ये आसन. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीनिंग फॉरवर्ड. इनहेल एंड विद एवरी एक्सहेलेशन ट्राई टू डिप 1% 2% एंड देन गो डीपर. इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल रिलीज द आसना. सो दिस इज जानुशीर्ष आसना, परिवर्त जानुशीर्ष आसना फॉर यू. चलिए करते हैं हमारा अगला आसना जिसका नाम है शलंबा भुजंग आसना या फिर स्फिनिक्स पोज. स्फिनिक्स पोज करने के लिए सबसे पहले आप आपके पेट पर पेट के बल आपके मैट पर लेट जाएंगे. जिस तरह हम भुजंग आसना करते हैं एग्जैक्टली ये उसी तरह करना है. बट हम अपने पाम्स रखते हैं हमारे चेस्ट साइड पर. इस बारी हमें अपने फोर आर्म्स रखने हैं. तो देखेंगे कैसे करना है भुजंग शलंबा भुजंग आसना. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कीपिंग योर लेग्स टुगेदर यू कैन कीप देम अ लिटिल अपार्ट आल्सो. योर फोर आर्म्स ऑन द फ्लोर, फ्लैट पाम्स ऑन द फ्लोर. इनहेल करते हुए आपका जो चेस्ट है सिर्फ आपको वो ऊपर की तरफ उठाना है. एंड यू गो अप. मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट गोइंग अप लाइक दिस. यू आर एक्चुअली ओपनिंग योर चेस्ट एंड थ्रोइंग योर चेस्ट अहेड. चिन को थोड़ा ऊपर करेंगे. इनहेल डीपली एंड एक्सहेल. स्टे हियर फॉर 5 डीप ब्रेथ्स. एक्सहेल करते हुए गो डाउन. एंड रिलैक्स इन मकरासना. ये था हमारा शलंबा भुजंगासना. जैसा कि आपने देखा एक्सपेंशन इज वन थिंग बट ऑल दीज योगासनाज आर वेरी गुड फॉर दोज टाइट मसल्स. जो कि हमने पहले भी बताया था कि एस्थमा के दौरान इस तरह से हो जाता है कि हमारे एयर वेज के आसपास की सारी मसल्स काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं. सो ये जो योगासनाज हैं वो उन मसल्स को रिलीज करने में, रिलैक्स करने में काफ़ी मदद करते हैं. दी सिंपल प्राणायाम एंड योगासना हेल्प्स यू टू रिलीज दोज टाइटन मसल्स अराउंड योर नेक, chest and upper back and reduce the severity of asthma. For such informative videos, keep watching Fit Tak. Namaste.